अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी ख़त्ते में या शहर में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगी। और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का और आप लोगों की आरा का बहुत शुक्रिया। आप में से कुछ दोस्त यकीनन ये जानते होंगे कि मैं अक्सर अपनी किसी किताब से आप लोगों का तारुफ करवाती हूँ, जिसका मकसद ये होता है कि उस किताब के अदीब, शायर या मुसन्निफ से, खुसूसन जो नई नस्ल यहाँ पर सोशल मीडिया पर होती है, उनसे तारुफ करवाया जाए। तो आज जो मैंने किताब मुंतखब की है वो ये है, शायर हैं, कुलियात हैं शकीब जलाली के, और ये इनकी तस्वीर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये तकरीबन 600 सफ़ों की किताब है, जिसमें 500 के करीब गज़लें हैं, नज़में हैं, सलाम हैं, बच्चों के लिए भी 2-3 नज़में हैं, और ये शाया की है संग मील पब्लिकेशंस वालों ने। अच्छी किताब है ये, लेकिन ये जो शकीब जलाली हैं, इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही एक तरह से अफसोसनाक इनका ख़ात्मा हुआ। ये सिर्फ 32 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए, और काफ़ी इनकी जो है वो एक अलमनाक कहानी है, वो आप लोगों को अभी बाद में बताती हूँ। लेकिन पहले मैं इनकी शायरी के बारे में आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बताऊँ। मैं क्या बताऊँ, मैं इनकी शायरी पे क्या कह सकती हूँ। ये इसमें जो मज़ामीन है, जैसे ये इनका है अहमद नदीम कासमी का, जो इनने जो शकीब जलाली साहब के बारे में कहा है, कासमी साहब लिखते हैं कि शकीब वो शायर था जिसके साथ उर्दू गज़ल का मुस्तकबिल वाबस्ता था। उसने गज़ल को नया लहजा दिया था, उसमें एक नई खनक पैदा की थी, और गहरे मफहूम और ख़ूबसूरत इजहार को यूं हम आहंग किया था कि अगर वो चंद बरस और ज़िंदा रहता तो उर्दू गज़ल के एक बिल्कुल नए दौर का पहला शायर माना जाता। उसकी गज़ल जिन रिफ़तों तक पहुंच चुकी थी, वो भी हमारे कितने ही गज़ल गों के लिए काबिल रश्क है। और यहाँ पर एक शेर उन्होंने लिखा है कासमी साहब ने, के यानी उनका शकीब जलाली का, वहाँ की रोशनियों ने भी जुल्म ढाए बहुत, वहाँ की रोशनियों ने भी जुल्म ढाए बहुत, मैं उस गली में अकेला था और साए बहुत। और आगे जाकर वो ये लिखते हैं कि जब मैं मजमूए की इब्तदाई 25-30 गज़लें पढ़ चुका, तो मैंने ये महसूस किया कि मैंने उन तमाम गज़लों के अशार पर निशान लगा दिए हैं, और कोई एक शेर भी ऐसा नहीं है जिसे शकीब के कमाल फ़न के तस्करे पर नज़रअंदाज किया जा सके। बरसों पहले ख्वाजा मीरदर्द के दीवान का इंतखाब करते हुए भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही तजुर्बा हुआ था। उनके चंद शेर यहाँ कासमी साहब ने मुख्तलिफ गज़लों से मुंतखब करके इसमें शामिल किए हैं अपने मज़मून में। खिजाब के चाँद ने पूछा ये झुक के खिड़की में, खिजाब के चाँद ने पूछा ये झुक के खिड़की में, कभी चिराग भी जलता है इस हवेली में। सोचो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह, देखो तो एक शिकन भी नहीं है लिबास में। और कई शेर हैं यहां पर, मैंने उसे शरीक सफर कर लिया शकीब, मैंने उसे शरीक सफ़र कर लिया शकीब, अपनी तरह से चांद जो बेघर लगा मुझे। और एक शेर है कि एक याद है जो दामने दिल छोड़ती नहीं, एक बेल है जो लिपटी हुई है शजर के साथ। कब से हैं एक हर्फ पे नजरें जमी हुई, वो पढ़ रहा हूँ जो नहीं लिखा किताब में, वो पढ़ रहा हूँ जो नहीं लिखा किताब में। एक सांस की तनाव जो टूटी तो ऐ शकीब, दौड़े हैं लोग जिस्म के खेमे को थामने। और ये जो डॉक्टर फरमान फतेहपुरी हैं, इनको सितारा इम्तियाज भी मिल चुका है, इन्होंने इनकी शकीब जलाली की गज़ल के बारे में जो मज़मून लिखा है, उसकी ये दो लाइनें मैं आपके लिए पढ़ती हूँ कि शकीब जलाली ने बहुत कम उम्र पाई, ऐन शबाब में इंतकाल किया, लेकिन उर्दू गज़ल को उन्होंने जो कुछ दे दिया
वो उर्दू अदब खुसूसन गज़ल की तारीख में उनका नाम जिंदा रखने के लिए बहुत काफ़ी है। तो इससे पहले कि मैं इनके हालात ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ बताऊं, यहीं से पढ़कर इसी किताब में से मैं इनकी दो गज़लें आपको सुनाती हूं। ये सुनकर आपको ये अंदाज़ा होगा कि अगर ये ज़िंदा रहते, ये सिर्फ 32 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे, तो अगर ये ज़िंदा रहते तो किस पाए के शायर होते। तो इनकी ये गज़ल है कि मुझसे मिलने शब गम और तो कौन आएगा, मेरा साया है जो दीवार पे जम जाएगा। ठहरो ठहरो मेरे असनामे ख्याली ठहरो, मेरा दिल गोशाए तन्हाई में घबराएगा। लोग देते रहे क्या क्या न दिला से मुझको, जख्म गहरा ही सही जख्म है भर जाएगा। अज़्मे पुख्ता ही सही तरके वफा का लेकिन, अज़्म पुख्ता ही सही तरके वफा का लेकिन, मुंतज़िर हूँ कोई आकर मुझे समझाएगा। आँख झपके न कहीं राह अंधेरी ही सही, आगे चलकर वो किसी मोड़ पे मिल जाएगा। और इसका मक्ता है कि दिल सा अनमोल रतन कौन खरीदेगा शकीब, दिल सा अनमोल रतन कौन खरीदेगा शकीब, जब बिकेगा तो ये बेदाम ही बिक जाएगा। और यूं तो इनकी बहुत सी गज़लें हैं जिनमें से इंतखाब भी मुश्किल है, लेकिन ये एक छोटी सी गज़ल है, चार मिसरों की, ये आप लोगों को सुनाती हूँ। तुमने तकदीर जगा दी मेरे अरमानों की, रश करती हैं फजाएं भी शबिस्तानों की। लाख तुम भूलो मगर रंज की जद पर आकर, याद आ जाती है भूले हुए इंसानों की। होंगे मंजर यही खाके यही किरदार यही, होंगे मंजर यही खाके यही किरदार यही, सुर्खियां सिर्फ बदल जाएंगी अफसानों की। डगमगा जाते हैं अब तक मेरी तौबा के कदम, डगमगा जाते हैं अब तक मेरी तौबा के कदम, याद जब आती है टूटे हुए पैमानों की। और दोस्तों इसका कुलियात का पेश लफ्ज उनके साहबजादे अकबर रिजवी ने लिखा है कि किस तरह से उनके इंतकाल के बाद, यानी शकीब जलाली के इंतकाल के 38 बरस बाद फिर ये कुलियात शाया हो सकें। और इसमें ज़ाहिर है कि खुद उनकी वालदा यानी शकीब जलाली की अहलिया और ये साहबजादे अकबर रिजवी और यकीनन कासमी साहब जैसे मोतबिर अदीब का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। ये तमाम उनका कलाम शाया करवाने में उनकी मेहनतें इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों एक से एक अच्छी गज़ल है, ये आप लोग ख़ुद ही पढ़िएगा। मैं आप लोगों को थोड़े से इनके मुख्तसर से हालात ज़िंदगी बता दूं कि वो किस कदर दर्दनाक थे और ये किस वजह से इतनी कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। इनका पूरा नाम सैयद हसन रिजवी और शकीब तखल्लुस था। आबाई वतन हिंदुस्तान के ज़िले अलीगढ़ का कस्बा जलाली था। शायरी का आगाज़ 1947 में हुआ जबकि शादी 1956 में हुई। बेटे का नाम हुसैन अकदस रिजवी और बेटी का नाम हिना बतूल रखा। वालदेन की ये इकलौती नरीना औलाद और चार बहनों के इकलौते भाई थे। 10 बरस की उम्र में एक हादसे के नतीजे में वालदा के साय से महरूम हो गए और वालिद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। बदायूं से मैट्रिक के बाद बहनों के हमरा रावलपिंडी मुंतकिल हो गए और कई अदबी हफ्त रोज़ा और माहनामों के इदारत के इसी सिलसिले में ये लाहौर मुंतकिल हो गए। और इसी दौरान इन्होंने अपनी तीन बहनों की शादियां भी कीं। आप लोग जानते हैं कि उस ज़माने में लड़कियों को बिल्कुल एक बोझ की तरह से पाला जाता था, तो ज़ाहिर है कि जो तमाम माली मुश्किलात थे वो इन्होंने ही बर्दाश्त किए। वाले थे नहीं, वालदा थी नहीं, तो तमाम जो मुआशी मसाइल थे उनसे नबुर्द आज़मा होने की कोशिश करते रहे। और
थल डेवलपमेंट अथॉरिटी ज्वाइन की और जोराबाद भक्कर में ये तैनात रहे और इसी दौरान किसी नाकाबिले फहम नफसियाती वजह से 12 नवंबर 1966 को तकरीबन सिर्फ 32 बरस की उम्र में ये सरगोधा के मकाम पर इन्होंने अपने आप को रेलगाड़ी के आगे डालकर खुदकुशी कर ली और ये वहीं दफन हैं। आज शकीब जलाली जिंदा होते तो किस पाए के शायर होते। तारुफ यहीं तक। आप लोगों ने भी अब इनकी कोई गज़ल पढ़ी हो, कहीं सुनी हो, तो फिर ज़रूर लिखिएगा यहाँ पर। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।